नॉट बी कम्पेयर टू एक्सपोर्ट द डोमेस्टिक टैक्स इज मैन हीज एक्सपोर्टिंग द गुड्स एंड सर्विसिस तो इसी सिद्धांत के अनुसार एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड और कंप्लीट रिफंड विल बी गिवन टू द एक्सपोर्टर्स और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसिज इन वॉट एवर कैपेसिटी अंडर जी एस टी बट एग्जम्पन में आप टैक्स नहीं भरेंगे क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी और इसलिए मैंने कहा कि एक्जम्पन इज मच मोर हार्मुल देन द एक्चुअली रेट टैक्स होना चाहिए तो ही फायदा है एग्जम्सन से फायदा नहीं है क्योंकि वहां पे क्रेडिट की श्रृंखला का भंग होता है और वो टैक्स बन जाता है अ वेरी जर्मन इंटरनेशनल एक्सपर्ट आई कांट प्रोनाउंसिज नेम बट उसने कहा है अंग्रेजी में ही कहूँगा मैं समझ जाएंगे आप उसने एक कल्पना को बहुत ही अच्छी तरह से थोड़े शब्दों में कह दी है कि वी ए टी वेट इज अ पैराडॉक्स इट इज इन सेंस इट इज अ सिस्टम इन विच वन हु कंसिडर हिम सेल्फ एज टेक्सड इज रियली एग्जम्टेड एंड वन हु कंसिडर हिमसेल्फ एज एग्जम्पटेड इज रियली टेक्ड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस यू हैव अंडरस्टूड वेट जो अपने आप को एग्जम्ट समझता है वो एक्चुअली तो टैक्स की भुगतान कर रहा है और जो अपने आप को टैक्स समझ रहा है वो एक्चुअली एक्चुअली एग्जम्पटेड है वो टैक्स भर रहा है बट फिर वैल्यू एडिशन पर भर रहा है वो जो वसूल करके गवर्नमेंट को दे रहा है तो ये इसकी एक बेसिक फिलोसॉफी है तो एग्जमटेड एंड जीरो रेटेड जीरो रेटेड मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक्सपोर्ट्स को जीरो रेटेड कहा जाए सरकार को पावर है वो डोमेस्टिक कोई भी सेक्टर को भी जीरो रेटेड डिक्लेयर कर सकती है और सारे टैक्स को रिफंड दे सकती है जैसे यूके में एग्रीकल्चरल क्षेत्र को कृषि क्षेत्र को जीरो रेटेड घोषित किया गया है तो विद इन यू भी जो व्यवहार होते हैं कृषि क्षेत्र के तो उसमें उनको पूरी क्रेडिट मिल जाती है वेट की रिफंड मिल जाता है ये उसका एक ये बेसिक स्ट्रक्चर है कमिंग टू नाउ टैक्सेबल इवेंट करपात्र घटना जीएसटी में क्या है आज एक्साइज ड्यूटी के लिए करपात्र घटना क्या है उत्पादन सेक्शन टू एफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट नाइनटीन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर एक्साइज इज लेवी ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ द एक्साइजेबल गुड्स सेक्शन थ्री और तो ये करपात्र घटना है सेल्टेक्स या वेट के लिए करपात्र घटना क्या है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हम जब माल बेचते हैं उसका टाइटल उसकी उसके जो अधिकार है उसके ऊपर हम पासऑन कर देते हैं तब्दील कर देते हैं कंसिडरेशन के लिए दैट इज द लाइबिलिटी वेन द लाइबिलिटी ऑफ पेइंग द वेट और टैक्स अराइजस सर्विस टैक्स के लिए करपात्र घटना क्या है दैट इज़ प्रोविजन ऑफ टैक्सेबल सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन कोई भी करपात्र सेवा अगर मैं देता हूँ कंसिडरेशन के सामने तो मुझे सेवा सर्विस टैक्स भरना है ये तीनों करपात्र घटना जिसने इतने सालों तक हम पे राज किया वो जीएसटी में अप्रस्तुत हो जाएगी क्योंकि जीएसटी में कर पात्र घटना इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एवरीबडी इज सप्लायर इन द आईस ऑफ लो चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड हो मैं होलसेलर सेमी होलसेलर ये रिटेलर उनके लिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेड शब्द यूज करूंगा ज्यादातर या ट्रेडर यूज करूंगा उसमें सब आ गए तो ट्रेडर या डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड हो चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो जीएसटी के कानून की नजर में सब सप्लायर्स है तो उसमें देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टाटा बिरला एंड एन ऑर्डिनरी मैन्यूफेक्चरर एन ऑर्डिनरी ट्रेडर एंड एन ऑर्डिनरी सर्विस प्रोवाइडर एवरीबडी इज सप्लायर इन देयर ओन राइट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इन द सो कम फर्स्ट जुलाई और वट एवर डेट वी वुड हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अवर सेल्स अबाउट अवर सेल्स वी आर सप्लायर्स I am not a manufacturer. I am not a retailer. I am not a wholesaler. I am not a service provider. I am not a chartered accountant. I am not a management consultant. I am a supplier, either of goods or of services. यह एक बेसिक कैरेक्टर चेंज है। कानून की नजर में GST के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को हमें सिर्फ अपने बारे में सप्लायर के नजर से सोचना है। ताकि बहुत सारे कंसेप्ट आपके मन में क्लियर हो जाएंगे जब आप अपने आप के बारे में सप्लायर की वजह से ये सारी जो मुश्किलें है इसको मैन्युफैक्चर कहा जाए या न कहा जाए मैं ये रिटेलर हूँ उसमें क्या करूँ मैं तो होलसेलर हूँ तो ये उसके साथ में अलग अलग आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल्स वो सारे अप्रस्तुत बन जाएंगे ये सारे कंसेप्ट ये रिलेवेंट हो जाएंगे जीएसटी में सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट वो सप्लाई को डिफाइन किया गया है सेक्शन सेवन सेंट्रल जीएसटी एस में और वो उसके मुख्य पहलू समझ लीजिए प्लाईज बिन डिफाइंड इन एन इंक्लूसिव मैनर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एस सेल डिस्पोजल रिमूवल वार्टर एक्सचेंज रेंटिंग हायर लाइसेंस कैरिडॉन और एग्री टू बी कैरिड फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस इंक्लूसिव डेफिनेशन है समाविष्ट डेफिनेशन है यह कोई स्वयं पर्याप्त डेफिनेशन नहीं है तो इसमें जितनी भी एक्टिविटी का उल्लेख उसका जो मेंशन किया गया है उससे भी अगर कोई एक्टिविटी में सप्लाई की अगर विशिष्टता मौजूद है तो वो भी कर की उसके करके व्याप में आ सकती है सेल डिस्पोजल बार्टर एक्सचेंज हायर कैरीडोन और एग्रीड टू बी कैरीडोन तो जो मैं कर रहा हूँ वो ही नहीं मैं अगर भविष्य में करने की अगर मैं वादा भी करता हूँ तो वो भी सप्लाई में आ जाएगी आई एग्रीड टू सेल यू द गुड्स

सो so, द जो व्यक्ति करपात्र व्यक्ति जिसको हम बनाना जिनको घोषित करते हैं वो उन्होंने यह व्यवहार धंधे का जो अपना किया है वो धंधे के लिए किया है धंधा की प्रवृत्त के दरमियान उसने किया हुआ है अगर वो खुद के पर्सनल यूज़ के लिए अगर है पर्सनल के लिए है तो फिर देन इट इज नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई एक एक दृष्टान क्या दिया हुआ है सी बी एस की थर्टी फर्स्ट मार्च की जी एस टी की गाइड में एफ ए क्यू है उसमें कि मान लो कोई व्यक्ति अपनी मर्सिडीज या कार उन्होंने आई आई मीन एम टेलिंग मर्सिडीज या पोषे कार उसको अगर वो 40 लाख में बेचते हैं खुद की कार को सेकंड यूज कार को 20 लाख का एग्जाम्सन है उसने कार बेचा है सप्लाई है कंसिडरेशन भी मिला है बीस लाख का एग्जाम्सन है तो क्या बीस लाख के ऊपर उसको जी देना है उसके पर सी का आंसर है नहीं क्योंकि वो इंडिविजुअल अपनी खुद की यूज कार बेच रहा है ही इज नॉट एंगेज इन टू एनी बिजनेस एक्टिविटी ही सेलिंग selling his ओन कार which has बीन used बाय हिम तो 20 साल के 20 लाख के ऊपर भी अगर उसकी कीमत उसको आ रही है फिर भी उसको GST देना नहीं है तो यहाँ पे इस तरह से ये डिस्टिंगशन किया गया है बिजनेस एक्टिविटी एंड पर्सनल एक्टिविटी या पर्सनल यूज के कारण अब उन्होंने कार बेचने का दस्तान दिया और भी दस्तान दे सकते थे पता नहीं कार बेचने का दस्तान क्यों दिया पता नहीं जीएसटी आने के बाद शायद सबको अपनी कार बेचनी पड़े ऐसा कोई उसमें संदेश तो बट यह एक उन्होंने एक समझ दी है गोइंग फॉरवर्ड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरस ऑफ बिजनेस कोई भी सेवा अगर आप आयात करते हो इम्पोर्ट करते हो जिसकी आप अगर कीमत चुकाते हो वो अपने पर्सनल यूज के लिए भी हो तो भी वो टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा और उसके पर जीएसटी देना होगा रिवर्स चार्ज में गूगल या और कोई भी इंटरनेट से हम जब कुछ भी गेम वगैरह या कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और क्रेडिट कार्ड थ्रू पेमेंट करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी तो कानूनन इसके पर जीएसटी देना होगा अब इसका अमल वो कैसे करेंगे मुझे पता नहीं है परंतु हमें देखना है ज़्यादातर हमें हमारे संतान इस बारे में काफ़ी एकदम माहिर होते हैं कुछ ना कुछ करते रहते हैं और महीने के अंत में जब क्रेडिट कार्ड का बिल हमारे पास आता है तब हमें पता होता है पता चलता है कि कुवर क्या कर रहे थे बट इसको जरा चौकन ना रहना है वी आर एक्सपेक्टिंग कि करीब फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ तक शायद इसमें एग्जम्सन दिया जाएगा क्योंकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इस प्रकार के जो इंटेंजिबल के जो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के ये इसे वर्ल्ड ओवर हैड तो उसको लाना है आई एम अगेन रिपीटिंग इम्पोर्ट ऑफ सर्विस

कोई भी बिजनेस एसेट जिसके पर आपने क्रेडिट ले हो जिसके पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर ली हो और उसको अगर विदाउट कंसिडरेशन आप अगर परमानेंटली ट्रांसफर करते हो तो उसके पर जीएसटी भरना है उसकी वैल्यू आर्टिफिशियली डिसाइड करना है इस पर वैल्यूएशन रूल्स डिसाइड करना है और उसके पर जीएसटी देना है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ ए बिजनेस एसेट फॉर विदाउट कंसिडरेशन बट ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट इज टेकन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो उसमें कोई बिजनेस एसेट हो वो बिजनेस एसेट पे उन्होंने क्रेडिट ली हो और बाद में वो वो एसेट अगर आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर के अकाउंट में विदाउट कंसिडरेशन अगर ट्रांसफर करते हो कोई भी कारण से तो उसके पर जीएसटी देना होगा आपके जो भी बिजनेस एसेट में कोई भी प्रोडक्ट आपका कोई भी माल हो मान लो कि पार्ट हो स्पेयर पार्ट हो वो बिजनेस एसेट में आता है करंट एसेट्स में इन्वेंटरी में राइट आपने क्रेडिट ली है वो अगर आप फ्री दे रहे हो परमानेंटली उसके पर जीएसटी देना होगा सेकंड, एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन टू डिस्टिंग पर्सन और रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन डिस्टिंग पर्सन ये सारे डीम्ड कैसेट कृत्रिम तरह से इनको ये उसकी व्याख्या दी गई है उसका स्कोप दिया गया है वो आर द डिस्टिंग पर्सन विच आर डीम्ड टू बी अंडर सेक्शन ट्वेंटी फाइव एक ही राज्य के अंदर अगर दो व्यक्ति एक ही व्यक्ति के दो रजिस्ट्रेशन है एक ही राज्य के अंदर तो दोनों रजिस्ट्रेशन के बीच दोनों यूनिट के बीच का व्यवहार को डिस्टिंग पर्सन माना जाएगा जीएसटी पे करना होगा ये ये संभावना सिर्फ एक ही परिस्थिति में शक्य है होती है और जब व्यक्ति के अपने खुद के दो बिजनेस वर्टिकल हो एक ही राज्य के अंदर मान लो कि एक मैन्युफैक्चरिंग डिविजन दूसरा ट्रेडिंग केमिकल डिवीजन स्टील डिवीज़न तो बिजनेस वर्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उसके उसकी संभावना पूरी समझ दी गई है सेगमेंटेशन प्रॉफिट जो हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में कहते हैं जो बैलेंस शीट में देना कंपलसरी है सेगमेंटेशन प्रॉफिट तो उसी कल्पना को यहाँ पर उन्होंने स्वीकार किया है तो ऐसे दो बिजनेस वर्टिकल जो एन के है उसको एक ये विकल्प दिया गया है कि एक ही राज्य में होने के पश्चात भी वो दोनों का वो दोनों रजिस्ट्रेशन अलग अलग ले सकते हैं वैकल्पिक है और अगर इस तरह से उसने दो बिजनेस वर्टिकल के दो रजिस्ट्रेशन लिए तो दोनों के बीच का व्यवहार को डिस्टिंग पर्सन के बीच का व्यवहार माना जाएगा जिसके पर उनको जीएसटी देना होगा इंट्रा यूज क्रेडिट नहीं हो पाएगी इस तरह से वरना एक राज्य में एक ही रजिस्ट्रेशन होगा एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा और एक ही लेने की आवश्यकता है दूसरी दो राज्य में अगर दो स्टेब्लिशमेंट है एक ही व्यक्ति के तो वो दोनों इस्टाब्लिशमेंट को सेपरेट कम्पलसरीली रजिस्ट्रेशन अगर लेना है और इस तरह से अगर उसने रजिस्ट्रेशन लिया है तो वो दोनों इस्टाब्लिशमेंट बीच के व्यवहार को भी दो स्वतंत्र व्यक्ति के बीच का व्यवहार माना जाएगा उसके ऊपर जीएसटी देना होगा उसकी इमीडिएट असर है ब्रांच ट्रांसफ़र स्टॉक ट्रांसफ़र जो भी हम करते हैं आज उसके ऊपर जी एस करना है आज जो आप फॉर्म एफ के सामने जो स्टॉक ट्रांसफ़र करते हो दूसरे राज्य में वो जीएसटी में संभव नहीं होगा तो जो भी राज्य से आप अगर ब्रांच से अगर माल की सप्लाई करना चाहते हो तो आपको वो राज्य में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है और वहां पे आपने एक बार स्टॉक यार्ड या हाउस या ब्रांच खोल दी यहाँ से माल आपने ट्रांसफर किया मान लो कर्नाटका या गुजरात और वहां से आप आगे बेचना चाहते हो तो महाराष्ट्र से गुजरात माल ट्रांसफर करते वक्त आपको जीएसटी पे करना है उसके पर IGST के फॉर्म में दिस इज इंटरस्टेट सप्लाई फिर वो ब्रांच रिसीविंग ब्रांच विल टेक द क्रेडिट ऑफ आई जी एस टी एंडलाइज इट तो सारी सारे फॉर्म्स निकल जाएंगे सी फॉर्म एफ फॉर्म जी फॉर्म एच फॉर्म ई वन फॉर्म ई टू फॉर्म ये सारे फॉर्म्स जी एस टी में रहेंगे नहीं बट ब्रांच ट्रांसफर विल कम तो आज जो एम आर पी बेस्ड प्रोडक्ट है दो कारण से लोग ब्रांच या स्टॉक ट्रांसफर करते हैं हमारे देश में एक तो एम आर पी एम आर पी एक मेंटेन करने के लिए क्योंकि अलग अलग राज्य में वेट के दर अलग अलग हो सकते ओक्ट्रो एलबी टी का बर्डन भी अलग अलग हो सकता है दूसरा सी सी ये सी एस टी बचाने के दो परसेंट जी एस टी में ये पूरी मार्केटिंग फिलोसॉफी आपकी चेंज हो जाएगी वेयरहाउसिंग पॉलिसी आपकी चेंज हो जाएगी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कंप्लीट चेंज हो जाएगी जीएसटी में क्योंकि अलग अलग राज्य में वेयरहाउस खोलने से अगर फायदा है कि नहीं वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कंज्यूमर इंडस्ट्री के लिए वाई कांट है वेर हाउस ओनली एट अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट फ्रॉम वेयर आई कैन कैटर टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंट्री और मेजर पार्ट ऑफ द जोग्राफी दैट इज द बिजनेस डिसीजन यहाँ पे दूसरी कि जो रिलेटेड पर्सन दो व्यक्ति रिलेटेड पर्सन की संभावना एक्साइज में है आज और कस्टम में भी है कस्टम की पूरी व्याख्या उन्होंने ली है काफ़ी टेक्निकल है मैं उसमें जाऊंगा नहीं रिलेटेड पर्सन इज़ अ कंसेप्ट कि अगर दो व्यक्ति के बीच का एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति के साथ जो व्यवहार करता है जो सप्लाई करता है वो व्यक्ति अगर कानून रिलेटेड पर्सन है तो डिपार्टमेंट वो वैल्यू को उसको चुनौती दे सकता है उसको चैलेंज कर सकता है तो ये रिलेटेड पर्सन के कंसेप्ट में कि भाई आपने अंडर वैल्यूशन करके उसको माल बेचा है और वो आगे काफ़ी हाई प्राइस से बेच रहा है बट इट्स टू टेक्निकल फॉर द टाइमिंग यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलरली जब उन्होंने ये भी घोषित कर दिया है कि अगर रिसिपियंट पार्टी को फुल क्रेडिट मिलने वाली हो तो फिर ये रिलेटेड पर्सन का इश्यू हम बच में नहीं लाएंगे कानूनन सो इफ द पार्टी इज गोइंग टू टेक फुल क्रेडिट दैन वेदर ई इज़ अ रिलेटेड पर्सन और नॉट इट विल नॉट मैटर तो मैं वहीं पर उसको इतना ही कहना जरूरी है बस आगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई कोई भी कर्मचारी अपने मालिक को जो सेवा देता है वो सप्लाई है सेवा की सप्लाई है तो उसको उसको भी रिलेटेड पर्सन कहा गया है परंतु शेड्यूल थ्री में कर्मचारी मालिक को जो सेवा देता है उसको नॉन टैक्सेबल बिन करपात्र सेवा घोषित किया है मालिक सेवा जो देता है कर्मचारी को ज़्यादातर मालिक ही सेवा देते हैं कर्मचारी को तो उसके पर अभी कोई बात नहीं है इस डेंजरस इश्यू वी आर जस्ट वेटिंग क्योंकि सर्विस टैक्स में ये इश्यू लास्ट ईयर खड़ा हो चुका था देर वर सम प्रॉब्लम्स फॉर द टाइमिंग आई कैन एवॉइड एनी थिंग टॉकिंग अबाउट दैट फिलहाल ये समझ के चलिए कि मालिक और कर्मचारी के बीच